अयोध्या के नजारे बता रहे हैं कि रामनगरी अपने आराध्य के लिए तैयार हो चली है। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। ठीक 3 साल पहले 5 अगस्त 2020 को अयोध्या का 5 सदी का इंतजार खत्म हुआ था। अयोध्या में नींव पड़ी थी राम मंदिर की। अब वक्त करीब आ रहा है उस संकल्प के साकार होने का। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे रामनगरी भी तैयार होती जा रही है। अयोध्या के हर आनंद का अनुभव करेंगे आप हमारे शो अगस्त की अयोध्या क्रांति में। आधिक बनेगा हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। अयोध्या में अद्भुत धाम का निर्माण, जन जन कर रहा जय सियाराम। नई अयोध्या में बदलता स्वरूप और त्रेता युग का निखरता हुआ रूप कैसा नजर आ रहा है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। वो अयोध्या जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा था, तैयार हो चली है वो अयोध्या जो त्रेता युग में दमकती थी। ये रामनगरी का वो स्वरूप है जिसका नजारा देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। 5 शताब्दियों का इंतजार आखिरकार पूरा हुआ। 5 अगस्त 2020 को जिस संकल्प की तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रखा था वो पूरा हो चला। जैसे जैसे राम मंदिर की बुलंद दीवारें आकार ले रही है वैसे वैसे अयोध्या में त्रेता युग के नजारे लौट कर आ रहे हैं। राम काज कीन्हो बिन माही कहाँ विश्राम, राम का काम किए बगैर कैसे विश्राम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संकल्प ही है कि जो 5 अगस्त 2020 से शुरू हुआ 36 महीने हो गए और 36 महीने में मंदिर का निर्माण कार्य लगातार बढ़ रहा है, भव्य हो रहा है और इसको भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यहाँ पर कड़कड़ में राम है और इस मंदिर के विकास में यही संकल्प सबसे बड़ा है। तेरे ही भरोसे है हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। 5 अगस्त 2020, 3 साल पहले इसी अयोध्या की धरा पर मंदिर निर्माण का सिलसिला शुरू हुआ। ठीक 3 साल पहले देश की प्रधानमंत्री के हाथों नींव पड़ी राम मंदिर। विघ्न ध्याल कुलाभिमान गरुड़ विघ्न पंचानन है। 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या को वो पहचान मिली जिसकी राम नगरी हकदार थी। विघ्न भगन प्रसन्न पवन विघ्नेश्वर पातुन है। अभी तो राम मंदिर की मात्र झलक दिखी है कि अवधपुरी के वासी फूले नहीं समा रहे हैं। सोचिए कि जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा का महा उत्सव होगा, त्रेता युग की राम नगरी कैसे दमक रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय नगरी के रूप में विकसित करने का एक टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं और यहाँ पर
आधुनिकता और जो ऐतिहासिक महत्व है इस नगरी का, उसका सही बैलेंस, सही मिक्स हो, इस प्रकार से हम लोग इसको विकसित करें, ऐसा प्रयास है। तो इसके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस समय धरातल पर उतारे जा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स नए हम लोगों ने कंसीव किए हैं, जिस पर रोज़ हम लोग बैठक करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 3 साल पहले अयोध्या ने जो संकल्प लिया था वो अब पूरा होने की तरफ है। जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही श्री राम अपने दरबार में विराजमान होंगे, तो अयोध्या में जो आनंद होगा वो पूरे भारत में दिखेगा। श्री राम के रंग सारा हिंदुस्तान रंगा होगा। हिंदुस्तान जिस क्षण के लिए प्रतीक्षा कर रहा है पिछले 500 साल से, वो तप, तपस्या और बलिदान आखिर रंग ला रही है। और भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे वो स्वर्णिम समय रचा जाने का समय आ गया है। बात करें काशी से कामाख्या तक और अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, सब कुछ राममय होने वाला है। और कहा जाता है कि इरादे बुलंद हो, अटल संकल्प हो, तो फिर हर काम पूरा होता है। हिंदुस्तान के लिए मंदिर का काम उसी तरीके से अटल। राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बन रहा है और जो ट्रेन रुकेगी उसके बाद जो यात्री होंगे वो इन दरवाजों से, इन गेट से आएंगे। ऊपर गेट की संख्या लिखी हुई है। कुल अगर हम इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्लेटफॉर्म से अंदर आने के 13 ऐसे दरवाजे बने हैं, गेट बने हैं जहां से यात्री आएंगे। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना आधुनिक रूप से इसको बनाया गया है। इतना आधुनिक है कि अगर हम तुलना करें तो राजधानी लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वो भी इसके पीछे ही रह जाएगा। अयोध्या में जिस पैमाने पर विकास के काम हो रहे हैं, उतनी ही शानदार तैयारी राम मंदिर को बनाने की है। आसमान छूता राम मंदिर कुछ ऐसा होने वाला है जिसको किसी ने नहीं देखा। श्री राम की नगरी में कुछ ऐसा नजारा होने वाला है जिसका इंतजार हर राम भक्त को 500 साल से था। राम मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है उसका निर्माण कुछ ऐसा होगा कि दुनिया के लिए वो कुछ ऐसा आश्चर्य होगा जो अभी तक देखा नहीं गया है। इस तरीके का मंदिर होगा जिसका पताका पूरे विश्व भर में फैलाया जाएगा। इस त्रिलोक धाम का फिर कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा, अतुलनीय होगा। रामनगरी में तैयार होता भव्य राम मंदिर इस बात का सबूत है कि सदियों का संघर्ष खत्म हुआ है और अब जैसे जैसे राम मंदिर का काम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे साधु संतों के चेहरे पर राम मंदिर की खुशी भी नजर आ रही है। आकार लेते राम मंदिर के साथ अयोध्या का संत समाज रामनगरी में हो रही क्रांति पर क्या कहता है, देखिए। धर्म से जुड़ी बात हो, सनातन से जुड़ी बात हो या उसके विकास की बात हो, अयोध्या के संत महंत और अगर यहाँ के ऋषियों से, पंडितों से बात ना की जाए तो आधी अधूरी रह जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर पूरी एक चौपाल है, यहाँ पे संत हैं, ऋषि मुनि हैं और ये सब
उस अयोध्या के प्रतीक हैं जो सनातन धर्म का केंद्र है। महाराज जी, सबसे पहले आपसे ही अयोध्या को अगर हम बात करें तो कितना बदला है, किस रूप में बदला है? काफ़ी परिवर्तन हुआ, काफ़ी रूप में बदला हुआ है अयोध्या, और आगे चल करके कुछ और भी बढ़ेंगे आगे, अगर योगी जी ने चाहा तो। ठीक, युवा दिख रहे हैं, आपको क्या क्या बदलाव नज़र आया? बहुत बदलाव यहाँ पे, सफाई और हर एक चीज़ की व्यवस्था, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। आज के लिए प्रशासन मतलब पुलिस सब नदी पे जो नहा रहे हैं, पहले था कि चाहे जो जैसे नहाता था, अब बैरिकेडिंग हो गया है, मतलब बढ़िया से पुलिस उसका ध्यान दे रही है। योगी जी ने बहुत बदलाव कराया है। हम और यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताइए कि अयोध्या को लेकर के अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इसके धार्मिक महत्व को जो है उसमें कितनी और बढ़ोतरी देखते हैं? बहुत बड़ा, जब से योगी और मोदी सरकार आई है डबल इंजन, तब से बहुत ज़्यादा यहाँ परिवर्तन हुआ है और बहुत विकास का काम यहाँ हुआ है। और भी श्रद्धालु यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, गाजीपुर से आते हैं, बनारस से आते हैं, बिहार से आते हैं, बहुत बंगाल से आते हैं, हम लोग भी नौली उतरौली से आए हुए हैं गाजीपुर से। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी है कि इस समय अयोध्या के अंदर कांवरिया और दर्शनार्थी प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। धीरे धीरे ये पुरुषोत्तम मास का समय चल रहा है और अभी धीरे धीरे सावन जब लगेगा तो सावन झूला का समय आ जाएगा, तो अयोध्या में और भी भीड़ से संख्याएं बढ़ जाएंगी, जिसके कारण मेला को प्रतिभा रूप दिया जाएगा और सभी आते हैं, सरयू माँ के तट पर आकर स्नान करते हैं, दान करते हैं, यात्री अपने धर्म का पालन करते हुए सभी मंदिरों का दर्शन करते हुए श्री राम जी का जयकारा लगाते हुए अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करते हैं। और बहुत दूर दूर के संत महंत हैं, पुरोहित हैं, आपका तो भजन बड़ा सुना है, बहुत यहाँ जाना जाता है। बोलिए श्या बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय, रमापत राम चंद्र की जय, सरजू मैया की जय, भक्त बत्सल भगवान की जय, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, मनोजवम मारुत तुल्य बेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, भातात्मजम बानर युद्ध मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे, लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ मुनि मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा, सीताराम समारंभा नाथ मुनि मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब प्रभु कृपा करहु यही भाती, सब तज भजन करहु दिन राती। बोले सियावर राम चंद्र की, सरजू मैया की, आज के आनंद की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए श्री जोगीराज श्री देवराह बाबा जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, सियावर राम चंद्र की, भक्त वत्सल भगवान की। देखिए, यही साधु परंपरा है, यही संत परंपरा है और भगवान श्री राम का यही जयकार है इस अयोध्या की नगरी में। हम आपको यही दिखाने और बताने के लिए लेकर आए, इन संत महंत और पुरोहितों से इसी तरीके से बात की कि आखिर इनके मन में क्या है, इनकी उम्मीदें क्या हैं और किस तरह की अपेक्षाएं हैं। और सबको एक ही बात बार बार हमेशा लग रही है कि अयोध्या पहले से बदल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़।